हमारे देश की एक परंपरा है जो बड़ी समृद्ध है और जिस परंपरा ने हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ने का सदैव संकेत किया है। जीवन के हर मोड़ पर हमें आवश्यकता है मार्गदर्शन की। पग पग पर सत्संग चाहिए, हमें सानिध्य चाहिए महापुरुषों का। हमारे जीवन में सद्गुरु की, महापुरुषों की अत्यंत आवश्यकता है, अनिवार्यता है, क्योंकि जो भक्ति और मुक्ति का प्रदाता है उसे तो ही सद्गुरु कहते हैं, वही तो सद्गुरु कहलाता है। जो बाहर का सूर्य है ये रात्र की कालिमा को नष्ट कर देता है। ये जो सूर्य की किरणें हैं रात्रि के अंधकार को अपने प्रकाश से छिन्न भिन्न कर देती है। बाहर का अंधेरा ये सूर्य दूर कर देता है। जो अंधेरा, जो अज्ञान और जो आसक्ति एक मानव के मन में है, उसके विचारों में है, उसके अंतःकरण में है, उसके भीतर के अंधेरे को और जो भीतर में अज्ञान है उसे दूर करने वाला तो हमारा एकमात्र सद्गुरु ही होता है। एकमात्र ही सद्गुरु होता है। ऐसे ऐसे लाखों सूर्य हमारे भीतर के अंधेरे को नहीं हटा सकते। इसीलिए जीवन में पग पग पर गुरु की आवश्यकता है। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी गुरु उसकी मां है। मां के गर्भ में हम कैद हो जाते हैं। ये यात्रा है आत्मा की, जो अनंत जन्म और जीवनों से चली आ रही है। चल रहा है जीवन, मां के गर्भ के दुख का हम सबने अनुभव किया है, मृत्यु की वेदना का हम सबने अनुभव किया है। जैसे जैसे नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है, जल के प्रवाह के साथ वो टुकड़ा बहा जा रहा है, क्या क्या हमारा यह मानव जीवन बस बहा जा रहा है? क्यों आए थे
और कैसे चले गए? जन्म और मरण का, आवागमन का ये चक्र चल रहा है, आज से चल रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से चल रहा है। मन माया मरती नहीं, वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। तो हमारे साथ हमारे अनेक जन्मों के संस्कार हैं। ये जो मानव जीवन है ना, वो ज्यादातर हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही चल रहा है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तीन प्रकार के हैं कर्म। एक है प्रारब्ध, जो आया है इस शरीर के साथ। एक है संचित और एक है क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध हमें प्राप्त होना ही है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में किसका कार्य है? ज्यादा ज्यादा प्रारब्ध का ही कार्य है। हमारा जन्म कहाँ होता है, माता पिता कैसे मिलते हैं, भेजने वाला हमें भेज देता है। 65% से भी ज्यादा हमारा यह जो जीवन है वो केवल हमारे प्रारब्ध पर चल रहा है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो देने वाला दे दिया है, हमारे पूर्व के कर्मों के आधार पर। प्रारब्ध कहां से आया है? प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म हम सबको प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं, जितना इस जन्म और जीवन से हमें भोग लिया जाना है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन केवल प्रारब्ध के ही बसीभूत हमारा जीवन नहीं है, हम मानव हैं। ईश्वर ने हमें विवेक का बल दिया है, हमें बुद्धि की शक्ति दी है, हमारे पास ज्ञान के विकास की अनंत संभावना है। लेकिन वो सब जितना है वो सब प्रारब्ध के बाद है। वो सब जितना भी है, जिसे हम कहते हैं क्रियमाण कर्म, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ, वो जितना भी पुरुषार्थ है वो सब प्रारब्ध के बाद ही है। प्रारब्ध बड़ी शक्तियों वाला है। जीवन मुक्त योगी भी प्रारब्ध के कर्मों का फल भोग प्राप्त करता है। तो सबसे पहली गुरु कौन है? कौन है? वो हमारी माँ है,
हमारी मातृशक्ति है जो जो हमारे वर्तमान के कर्मों को निखार सकती है, वो हमारी माँ होती है, वो हमारी माँ होती है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। माता और मातृभूमि का स्थान, माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर बतलाया गया। बालक के कोमल मन पर किस प्रकार से उसको सजोकर उसको संवार दें उत्तम विचारों से, उत्तम भावों से, उत्तम संकल्पों से, उत्तम शिक्षा से, ये दायित्व मां के कंधों पर है। प्रारब्ध का तो हाथ है, लेकिन लेकिन इस संसार में आने पर जो वर्तमान के कर्मों को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। तो जीवन के हर मोड़ पर आवश्यकता है सत्संग की। जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है उसी का नाम सत्संग है। जो मानव जीवन के लिए बढ़िया है, उसके विकास के लिए अच्छा है, उसी का नाम सत्संग है। जो भी मानवीय गुण हैं, सत्य है, प्रेम है, न्याय है, दया है, करुणा है, जिसके द्वारा जीवन जीवन को निखारा जाए, जिसके द्वारा हमारा जीवन समर जाए और जिसके द्वारा हमारा जीवन सुधर जाए, उसी को कहते हैं सत्संग, जो हमें सत्य से मिला दे। और जो इसमें माध्यम बने वो गुरु होता है। गुरु भी कई प्रकार के हैं, एक लौकिक है, एक वैदिक है, एक परमार्थिक गुरु है। माँ भी गुरु है। वो कैसी गुरु है? वो लौकिक गुरु है, वो संसार की शिक्षा देती है। गुरु वो है जो हमारे अंधेरे को मिटा दे। गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं उस अंधकार को दूर करने वाला। गु का मतलब अंधकार और जो रु है उस अंधकार को दूर करने वाला। तो एक गुरु है लौकिक, जो हमें लोक की, व्यवहार की, समाज की शिक्षा देते हैं। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। हमारे देश की इस परंपरा में, भारत की इस परंपरा में, ऋषियों की इस परंपरा में हमें यह संदेश मिला है, हमें यह निर्देश मिला है कि हम अपने जीवन का विकास महापुरुषों के संरक्षण में करें। महाजनों ये न गतः सपन्था।
स्वयं की पहुंच कहां तक होगी हमारी, हम किधर का रास्ता देखे हैं, हम कहां का मार्ग जानते हैं। ऐसे ही तो नहीं आए, जाना कहां है। केवल संसार और शरीर में ही सब कुछ समझ लेने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। आत्मा को नहीं भुला सकते, स्वयं को नहीं भुला सकते। जिस आधार पर ये शरीर चल रहा है, ये जीवन चल रहा है, उसे तो भूल नहीं सकते। केवल शरीर और संसार के लिए ये शरीर और जीवन नहीं है, ये शरीर है, ये जीवन है। आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए और जो सद्गुरु होता है वो किसका गुरु होता है, जो सद्गुरु होता है वो आत्मा का ही गुरु होता है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो जो आवागमन मिटाने वाला है वो सर्वोच्च गुरु है और आत्मा का गुरु है, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। हमारा यह जीवन अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, सद्गुरु बारंबार यही संदेश देते हैं। वो जगाने आते हैं, वो जगाने आते हैं। जागते रहो, जागते रहो। यही शंखनाद करते हैं सद्गुरु।